दोस्तों, प्यार मोहब्बत की कई कहानियां तो आपने सुनी होंगी और इन पर बनी फिल्म भी आपने कई देखी होंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक तरफे प्यार से भरी फिल्म चमन बिहार की, जो फिलहाल ही नेटफ्लिक्स के OTP प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VR रिव्यूज़ पर। दोस्तों, कहानी है छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के एक छोटे से शहर लोमड़ी की। वहाँ रहता है प्रेम कुमार उर्फ बिल्लू, जिन्होंने पापा की चौकीदारी नौकरी को नज़रअंदाज करके कुछ नाम कमाने के लिए खोली है एक दुकान की दुकान, जिसका नाम है चमन बहार। और जहाँ साहब ने दुकान खोली है, वहाँ शायद मक्खियाँ भी नहीं बैठती हैं। फिर उसकी लाइफ में इंटरफेयर होती है रिंकू नैनोरिया, जो उसके आती है पान की दुकान के सामने रहने के लिए, जिसके पीछे पड़ जाते हैं सारे गांव के लौंडे, जो रिंकू को देखने आते हैं, जिससे बिल्लू भैया साहब की दुकान चलना हो जाती है शुरू। फिर खाने में एंट्री होती है लोकल नेता के बेटे शीला भैया की, लोकल बिजनेसमैन के बेटे आशु भैया की और DFO के बेटे रितेश भैया की। और ये सब रिंकू के पीछे ऐसे पड़ते हैं मानो जैसे चोर के पीछे पड़ती है पुलिस। फिर क्या, हमारे बिल्लू भैया भी रिंकू भैया के प्यार में पागल हो जाते हैं। बस भैया, कहानी भी यही है, कुछ ऐसी ही है। क्या बिल्लू भैया अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे डैडी के होते हुए? क्या सब कुछ ड्रामा सह पाएंगे? क्या रिंकू का प्यार उसे मिल पाएगा? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी चमन बहार। मूवी के प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। डैडी टिक्की जी की एक्टिंग वाकई लाजवाब है, फुल कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। बिल्लू भैया और उसके दोस्त की एक्टिंग वाकई बहुत बढ़िया है, कहानी एकदम मस्त है। सोनू निगम के म्यूजिक ने कहानी को और भी मस्त बना दिया है। मूवी के माइनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। रिंकू नैनोरिया की फिल्म में सिर्फ एक टोल की तरह दिखाया गया है और गुंडागर्दी में गांव के लोंडों को ही फेमस बताया गया है, जैसे शहर के लोंडे गुंडागर्दी करते ही नहीं है। नेताजी के पावर को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, यदि आप डांसू एक्टिंग प्यार और कॉमेडी से भरी मूवी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।